तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगा टाटा मोटर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है कि मतलब कृष्णा पीजी तक कैसे आएँ, हजारी माता मंदिर, टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग कैसे लें, तो ये कुछ अलग है, ठीक है। मेरा जो है गाइस ना, टाटा मोटर्स में मतलब मैं NTTF के थ्रू आया हूँ। तो मेरा जो है आज मतलब 4 तारीख जब आएगा ना तो 2 महीने हो जाएगा। तो वर्कशॉप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे टाटा मोटर्स में काम क्या मिलता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। देखिए 5 से 6 शॉप है टाटा मोटर्स में। पहला तो है प्रेस शॉप, जिसमें कि पहले ये समझिएगा, यहाँ पे जो है सानंद अहमदाबाद गुजरात में जो टाटा मोटर्स कंपनी है, इसमें जो है एक जो है डियागो और एक टिगोर, ठीक है, 2 गाड़ियाँ बनती है और नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन का इंजन बनता है, जो कि मैंने अपने अगले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ है। और देखिए पहला प्रेस शॉप है, तो प्रेस शॉप में जो है गाड़ियों का जो पार्ट होता है, जैसे आगे वाला बोनट हो गया, खिड़की हो गया, मतलब गाड़ी का जो पार्ट होता है ना प्रेस शॉप में पहले बनता है। उसके बाद बेल्ट शॉप है, तो बेल्ट शॉप में जो गाड़ी वगैरह होती है ना, पार्ट तो बन गया तो उसके बाद वेल्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद पेंट शॉप है, तो जब गाड़ी जो है प्रेस होके बेल्ट हो गई, उसके बाद पेंट तो भी करना चाहिए ना गाइस, पेंटिंग होता है पेंट शॉप में। उसके बाद है TCF शॉप, तो TCF शॉप में जो है गाड़ी में इंजन वगैरह लगाया जाता है, मतलब इंजिनेटर, इंजन, मतलब TCF में लगभग से गाड़ी जो है तैयार हो जाती है, ठीक है गाइस। उसके बाद एक शॉप और है EV, तो उसमें इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ बनती हैं टाटा की, जो कि बैटरी से चलती है, ठीक है गाइस, बैटरी से वर्क करती हैं। तो अभी तो मैं वर्कशॉप में नहीं गया हूँ, 10 तारीख तक जो है पहुँच जाऊँगा, तो देखते हैं मुझे कौन सा शॉप मिलता है। अगर आप लोग टाटा मोटर्स अहमदाबाद गुजरात सानंद आ रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन से या फिर डायरेक्ट भी आप लोग आ सकते हैं, तो प्रोसेस तो मैंने जो है वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और हाँ गाइस, बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे भाई खाने में क्या मिलता है, तो देखिए गाइस खाने में जो है आपको, ठीक है, संडे को तो छुट्टी रहता है मान लीजिए 6 दिन, तो आपको सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ से मान लीजिए ए शिफ्ट में है, तो आपको जो है 6 बजे तक कंपनी में पहुँचना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है 5 बजे उठ जाता हूँ, 5:30 तक जो है बस पकड़ लेता हूँ आधे घंटे में कंपनी में, तो कंपनी में जाने के बाद डायरेक्टली जो है मैं लंच करता हूँ, नाश्ता, ठीक है। नाश्ते में जो है एक दिन कभी पोहा मिलता है, कभी कचौड़ी चटनी मिलता है, समोसे भी मिलते हैं, और जो है छोला भटूरे, मतलब बहुत सारी चीज़ मैंने खाए हुए हैं कंपनी में, मेरा जो है 2 महीने का एक्सपीरियंस है। उसके बाद खाने में भी खाना मतलब ठीक ठाक मिलता है, केला मिलता है और जो है मट्ठा मिलता है पैटिक में, और वहीं दाल चावल सब्जी, ठीक है, खाना ठीक है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। आप लोग चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है एक बार टी ब्रेक भी होता है, ठीक है, लंच के बाद 1 घंटे बाद टी ब्रेक होता है। उसके बाद 3 बजे जो है हम लोग वहाँ से छूटते हैं, तो पंचिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद बस लेके वापस हम लोगों को रूम पे छोड़ देती है। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ बैक कैमरे से। मैं अभी रूम लेकर हूँ, हजारी माता मंदिर, कृष्णा पीजी देख रहे हैं ना, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस यहीं पे मैं जो है रूम लेकर हूँ, तो देखिए कृष्णा पीजी देखिए वहाँ पर है, थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ, देखिए वो है PG, ठीक है गाइस, और उधर ही है हजारी माता मंदिर, वो देखिए हजारी माता मंदिर है, और यहाँ पर 2 बंदे बैठे हुए हैं अपने छत पर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस तरफ, देखिए वो वाला PG है, कृष्णा PG, देखिए वो वहाँ पे, और वहाँ पे हजारी माता मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर हूँ, यहाँ कम से कम 100 मीटर तो होगा, 100-200 मीटर, तो वही PG के जो है वहाँ पे हजारी माता मंदिर के बगल में हमारी जो है बस लगती है, ठीक। बता दूँ यहाँ पर जो है मैं रूम लेकर हूँ, 1500 रुपये एक बंदे का लगता है, और एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बंदे रह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं,
मुझे पता है आप लोग सर्च करेंगे टाटा मोटर्स, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात सानंद कृष्णा पीजी, तो आप लोग पीजी भी ले सकते हैं। पीजी का 3500 रुपया है, मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यही सब था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं यहीं पे हूँ पीजी के बगल में, हजारी माता मंदिर डेली जो है 4 बजे जाता हूँ, तो वहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो जो भी दिक्कत परेशानी हो बताना, मतलब मैं जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ अपने जो है यूपी बिहार से बहुत सारे बंदे आते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है गाइस, तो यही सब है इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए गाइस, मैं जो है अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, कोई ख़ास जो है मैं कैमरा वगैरह का यूज नहीं करता हूँ, जो है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे बैठा हुआ हूँ, एक चेयर है और यहीं पे जो है ईयरफोन लगाकर वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छे से अगले वीडियो में। गुड बाय।